So basically, Mr. Chawla, you're saying that as per one report that the Niti Aayog has, the feasibility of implementing the MSP is possible, which there are a lot of economists also say which is not. But they're contrarian points of views. You've given one. I want to bring in Chaudhary Savit Malik into this conversation, National President, Kisan Union. Malik saab, phir se wohi bola ja raha hai ki ye jo kisan hain, sirf ek state Punjab ke hain, Haryana ka kisan jud nahi raha, UP ka kisan jud nahi raha. Ye ek political move hai. चुनाव दो महीने में है, ये सब उसी के लिए हो रहा है। प्रीति जी, ऐसा नहीं है, ये इसलिए हो रहा है कि किसान से जो इन्होंने वादे किए उनको तोड़ दिया। लगातार जो दिल्ली के चारों तरफ आंदोलन चला, 13 महीने तक आंदोलन चला, उसमें सरकार ने किसान से वादा किया, झूठ बोलकर इनको घर भेजने का काम किया, और उसके बाद में 26 महीने हो गए, पिछले 26 महीने से किसान के लिए कोई नीति उन्होंने नहीं बनाई, एमएसपी पे कोई बात नहीं करी, क्योंकि जो है ये सोचते थे किसान अब घर चले गए। किसान इनको लगातार कह रहे थे, लगातार इनको कॉल दे रहे थे, 6 महीने पहले बता दिया था कि आपको 13 फरवरी तक का समय दिया जाता है, अगर आप नहीं करेंगे दिल्ली की तरफ किसान कूच करेगा, 16 फरवरी को पूरा भारत बंद किया जाएगा। और ये समय इसलिए दिया गया था कि इनका शीत सत्र भी खत्म हो चुका होगा, अब सरकार का 5 साल का पूरे के पूरे जितने सेशन होते हैं वो पूरे हो गए लोकसभा के, अब सरकार लास्ट में चुनाव की तरफ जा रही है। इन्होंने ना बजट में कुछ दिया, ना किसी सेशन सत्र में दिया, ना कोई मुद्दे पे बात की, एक कमेटी बनाई थी उसकी कोई रिपोर्ट नहीं आई। और हमारी मांग ही कितनी है, वही मांगे है जो इन्होंने कहा था कि हम मांग लेंगे। इन्होंने कहा था एमएसपी की गारंटी पे हम बात करेंगे, गारंटी देंगे। इन्होंने 7वें दौर की बातचीत में कहा था पराली पत्ती प्रदूषण वाला मामला हमने वापस ले लिया, बिजली अमेंडमेंट का बिल हमने वापस ले लिया, वो फिर कहां से आ गया? इन्होंने कहा था हम किसानों पे जो मुकदमे हुए हैं वो वापस ले लेंगे, किसानों को मुआवजा देंगे। इन्होंने मतलब जो इन्होंने किसान से झूठ बोलकर उनको घर भेजने का काम किया है, वही तो इनके साथ हो रहा है। पर मलिक जी, फिर अगर इनके साथ वही हो रहा है तो सिर्फ पंजाब के जो किसान हैं वो ही क्यों कर रहे हैं? हरियाणा के किसान क्यों नहीं जुड़ रहे हैं? उत्तर प्रदेश के किसान क्यों नहीं जुड़ रहे हैं? प्रीति जी, पूरे देश से कम 200 कुछ जत्थेबंदियां चली हुई हैं। आपने देखा होगा कि भोपाल में कर्नाटक के किसान गिरफ्तार किए, पश्चिम यूपी का किसान तैयार बैठा हुआ है, और ये जितना प्रेशर डालेंगे, जितना किसान को दबाने का प्रयास करेगा, उतना किसान ज्यादा जुड़ रहा है। कोई इस मुद्दे पे बात नहीं कर रहा है, हालांकि मुझे लगता है कि माननीय हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया, क्योंकि हम सुबह से अपील कर रहे हैं कि हाई कोर्ट को देखना चाहिए कि नियत थे किसानों पर कैसे आंसू गैस छोड़े जा रहे, कैसे गोलियां चलाई जा रही, कैसे दुश्मन जैसा व्यवहार किया जा रहा। मुझे लगता है, अभी मैंने एक चैनल पर पढ़ा था कि हाई कोर्ट ने कहा है कि इनको किसानों को आंदोलन के लिए जगह देनी चाहिए और बात करनी चाहिए। बात करने के लिए भी ये तैयार नहीं थे, अब जब लास्ट टाइम आ गया, इन्होंने परसों बात की थी, कल 2 दौर की बात की, लेकिन वही ढाक के 3 बात बात करते हैं, आश्वासन देते हैं, कोई गारंटी देने को तैयार नहीं है, कोई कानून बनाने को तैयार नहीं है, मलिक कोई लिखित में देने को तैयार नहीं है। मलिक साहब, मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि सारे किसान तो इकट्ठे एकजुट नहीं है। हमारे ही पैनल पे कृष्णबीर चौधरी, प्रेसिडेंट भारतीय कृषक समाज से है, वो कह रहे हैं कि ये एजिटेशन पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और नहीं होना चाहिए। किशनवीर जी, पहले से 3 किसान वो 3 बिलों के समर्थन में थे और बीजेपी से जुड़े हुए हैं, इनको किसानों को इनको पहले से दिक्कत नहीं थी और अब भी कोई दिक्कत नहीं है, मलिक जी बीजेपी का पक्ष रखेंगे, इनकी सहानुभूति माननीय मोदी जी के साथ। किशनवीर जी, बात है क्या, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, जो हमारा मिनिमम सपोर्ट प्राइस है जो सरकार तय करती है, वो मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मुझे लगता है ये भी किसान हित में होंगे, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे सम्मानित हैं। हेलो कृष्णबीर जी, जवाब दे दीजिए। देखिए, ऐसा है कि किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए, इस बात का कहीं कोई किसी का विरोध नहीं है, ना सरकार का है ना कमेटी का है। अब एमएसपी की जो व्यवस्थाएं हैं वो मंडी में लागू होती है और मंडी प्रदेश सरकार के अंतर्गत आती है। अब प्रदेश सरकारें किस तरीके से लाइसेंस देती हैं और किस तरीके नीलामी होती है, ये इनको सबको पता है। हम ये चाहते थे कि भई ये बाजार खुल जाता, जैसा पहले कानून आए थे, अगर बाजार खुल जाता, मोनोपोली की वजह से ही तो शोषण हो रहा है, क्योंकि आढ़ती जानते हैं कि हमारे अलावा किसान कहां जाएगा।
कहां मरेगा जाके उस सामान को लेके, उसकी वो दुर्गति हो रही है। तो अगर बाजार खुल जाए और बाजार खुल के और उसमें एमएसपी से कम पे कोई खरीदी ना हो, उसके बाद मंडी अपने आप सुधर जाएंगी। तो पहला सवाल तो यही है कि ये समझना होगा। दूसरी बात ये है कि इस 23 फसलों के अलावा आलू प्याज और टमाटर की दुर्गति हो रही है। कमेटी में हमने वो भी बात रखी है कि इस पर भी व्यवस्थाएं होनी चाहिए, ठीक। लेकिन ये बात तो ठीक है, ये समझ में नहीं आता कि 24 के चुनाव से पहले और तुरंत एजेंडा सेट। योगेंद्र यादव ने पहली बार भी कहा था 22 के चुनाव से पहले कि हमने तो पिच तैयार करा था, ये बैटिंग नहीं कर पाए। ये किसानों के नाम पर जो हो रहा है ये कलंक है। 26 जनवरी की घटना बहुत दुखदायी थी और अब दोबारा से सिक्योरिटी एजेंसी की जो खबरें आई और आज जो ANI की रिपोर्ट हमने एक देखी है, बहुत दुख होता है। ये पंजाब का किसान है, ये वो किसान है जो सारा माल धान और गेहूं सरकार जो उस पे MSP पे खरीदती है, इनका तो दर्द ही नहीं है। दर्द है बिहार का, दर्द है गुजरात का, दर्द है पूर्वी उत्तर प्रदेश का, दर्द है मध्य प्रदेश राजस्थान का, इनका क्या दर्द है? सारा पैसा तो ये ले जाते हैं MSP का। और आप ये बताइए कि पहले जो सरकार थी 1,06,000 करोड़ का खरीद कर रही थी साल में और बढ़के 2,28,000 करोड़ का तो केंद्र सरकार ने अपनी खरीद ही बढ़ाई है। आप इस स्थिति को समझिए। मनीष जी, मैं आपके पास आ जाऊंगी, जो कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन है वो भी बड़ी पेशेंटली इंतजार कर रहे हैं, पर चौधरी साहब आप बोलिए, कृष्णबीर जी खत्म करिए अपनी बात। 13-14 का बजट 27,662 करोड़ था, जो आज 23-24 में भैया बढ़ा के 1,25,000 करोड़ से ज्यादा ये मोदी सरकार ने हम लोगों के कृषि क्षेत्र के लिए किया। ये देश सबका है, अन्नदाता इस देश को अन्न खिलाता है। उसका सम्मान आपके करना पास आऊंगी क्योंकि आपको एक रिबटल देना है, पर उसके पहले अगर देश विरोधी ताकत अगर खड़िया जी के पास जाऊंगी, एक सेकंड पंजाब का एक है ऐसे लोगों से दूर होना पड़ेगा, दूर होना पड़ेगा। और जो वीडियो देखी है ये देश के हित में नहीं है। क्या जॉर्ज सोरोस का एजेंडा ही चलेगा? ये जॉर्ज सोरोस का एजेंडा चला जा रहा है, हमारी भी है, ये सबकी है। ये गलत है, ये किसानों के नाम पर गलत हो रहा है। किसानों का नुकसान ही लोग मिनिमम भैया मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो सरकार तय करती है को कन्वर्जन करके आप लागू करते हैं उससे आपको क्या दिक्कत है? सरकार बिल्कुल ना खरीदे, सरकार को बिल्कुल नहीं बेचेंगे, सरकार बिल्कुल ना खरीदे। लेकिन हमारा भाव जो 2 रुपए किलो बिकता है वो तो बंद हो जाए, खुलना चाहिए। मेरी आपको उसमें क्या दिक्कत है ये बताओ ना। मिनट Arshdeep Khadyal, in all of this, your top brass, Rahul Gandhi, Mr. Khadge, have promised if you come into power, you will promise to implement the Swaminathan Commission report and promise MSP. What's stopping you from doing so right now in your states that you run? Thank you. First and foremost, the Bharatiya Janata Party's anti-democracy, anti-farmers face has been exposed before the country. And had they have delivered the promises that they had made to the farmers, those 6 promises, after making a U-turn on farm laws, after tendering an apology on national TV, after 700 farmers were martyred, after Lakhimpur issue, the farmers wouldn't have had to protest again. But the Bharatiya Janata Party made a U-turn on this issue again. And Mr. Modi, when he was the chief minister before becoming the prime minister, had himself promised that MSP should be given as a legal guarantee. But you're not answering my question, Mr. Khadyal. What is stopping your states which you run to already implement? I'll answer your question now. Number one, Preeti, the Bharatiya Janata Party has been subjecting the opposition ruled states to stepmotherly treatment. The funds are being stopped. The packages are being stopped. The states are not being given money. They're not getting the support. Therefore, that's one impediment. Number two, allow me to clarify one more thing. This very Bharatiya Janata Party used to say, we stand by the Annadatas. What happened now? Why are you resorting to this? Tear gas shells are being fired. Rubber bullets are being fired. Section 144 has been imposed. Then the internet has been suspended. All right, you know, I need to get in the farmers once again. I apologize for the short time that you've had. I want to go back to Krishnabir Chaudhary and Savit Malik for 20 seconds again. Krishnabir Chaudhary ji, 20 seconds mein bataiye ki jo aaj visuals aapne dekhe hain, aansu gole, water cannon, lathi charge, ye theek hai?
क्या किसानों को इस तरीके से सरकार पर हमला करना, सिक्योरिटी के जवान भी हमारे बच्चे हैं, ये दंगा करना, ये कौन से किसान आंदोलनों का हिंसा था? कभी हिंसा नहीं हुई थी किसान आंदोलनों में, ये हिंसा जो है करवाई जा रही है, ये देश के हित में नहीं है, ये किसानों के हित में भी नहीं है। ये किसानों का हित अगर होता तो ये ट्रैक्टरों का कन्वर्जन हम सोच नहीं सकते। देखिए, ये कहना कि डब्ल्यूटीओ से बाहर आइए, एफटीओ नहीं है, एफटीओ रद्द करिए, डब्ल्यूटीओ से बाहर आइए, ये ऐसी बात नहीं है। बोल दिया चौधरी साहब, बोल दिया। अभी साबित मलिक जी आपको लेके आना चाहती हूँ, आपने सुन लिया कृष्णवीर चौधरी को, कि ये जो पूरा षड्यंत्र है ये पॉलिटिकल है और आप एक एनर्की क्रिएट करना चाह रहे हैं समाज में। प्रीति जी, मैं दो मुद्दे बताऊंगा। राजनीति ये लोग करते हैं, हम नहीं करते। हम ये क्योंकि देखो, अभी भारत रत्न 19 से किसी को नहीं दिया गया था और एक साल में 3 लोगों को भारत रत्न दिया जा सकता है, इन्होंने 5 को थमा दिया है। लेकिन हम कहते हैं स्वागत योग्य है, वो इस लायक थे, उनको बहुत पहले मिल जाना चाहिए था, लेकिन चौधरी चरण सिंह जी और स्वामीनाथन जी को दिया है। अगर आप उनके नक्शे कदम पर चलते हैं तो उनकी भाषा तो समझिए, उनकी नीति तो समझिए। उन्होंने तो कहा था कि किसान हित में काम होना चाहिए। इससे मुझे एक ब्रेक लेना है। बहुत शुक्रिया जेंटलमैन, थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग अस। अपोलॉजीज, सम ऑफ यू डिड नॉट हैव द काइंड ऑफ टाइम दैट यू वुड हैव होप्ड टू और आई वुड हैव होप्ड टू हैव यू ऑन, बट हैविंग सेड दैट वी एंडेड फ्रॉम हियर एट लीस्ट फॉर टुडे, बट इट्स अ कन्वर्सेशन व्हिच इज गोइंग टू कैरी फॉरवर्ड इन द डेज टू कम, बिकॉज़ द फार्मर्स एट लीस्ट एज ऑफ नाउ आर नॉट गोइंग एनीवेयर, डेडलॉक्ड वेयर टॉक्स आर कंसर्नड विद द गवर्नमेंट, एंड एज आई स्पीक एट शंभू बॉर्डर वी आर गेटिंग इन्फॉर्मेशन that they are looking for another push forward and they will be repulsed is what we are